हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फर्स्ट तो ये मेरा कि वीडियो बहुत लेट जा रहा है, जिसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी, बट क्या करूँ, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो कोई नहीं, ये वीडियो है मेरा सप्तमी के दिन का, जिस दिन पट खुलता है। तो उस दिन हम रियान, उसके पापा मम्मी और मेरा भाई गए थे घूमने के लिए। तो हम लोग ऐसे ही निकले थे, कोई ये घूमने के स्पेशली घूमने के पर्पज़ से नहीं निकले थे, कि बस ऐसे ही निकले थे रियान के चलते। आप तो जानते ही हैं कि बच्चों के रहने के बाद थोड़ा सा ये हो जाता है कि चलो भाई बच्चे हैं तो घूम के आते हैं, ज़्यादा मौका मिल जाता है नीचे सब भाई। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके थे डाक बंगला के पास, जो कि इस साइड से स्टेशन रोड से जो महावीर मंदिर है उस साइड से पूरा बंद था, फिर भी हम लोग जैसे तैसे पहुँच चुके थे। और हमने सोचा नहीं था कि हम लोग डाक बंगला की मूर्ति देख पाएंगे, क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है और यहाँ पे बिल्कुल भी चलने तक की भी जगह नहीं रहती है। बट बहुत अच्छा लग रहा था, आप देख सकते हैं यहाँ, मतलब स्ट्रीट साइड जितने भी स्टॉल वगैरह होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। भले ही आपका जो मन है आप वो कर ले सकते हो, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बट बहुत अच्छे लगते उस वक्त। तो यहाँ पे एक रियान चश्मा के लिए ज़िद करने लगा, तो वही हम लोग देखने लगे थे। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग चश्मा देखने लगे ऐसे ही कि, तो इसने ये रेड कलर वाला चश्मा पसंद किया था। और आपने देखा साइड से ये बाल भी उसी डिज़ाइन में कटवाया हुआ है, तो ये रेड वाला चश्मा हमने ले लिया था। तो चलिए बढ़ते आगे, और हम लोग आ चुके हैं डाक बंगला मोड़ के पास। और मैंने यहाँ पे इसका दाम पूछा था, ये भैया बोल रहे थे 640 रुपीज़ का यहाँ पे। तो ये नहीं आप समझे कि स्ट्रीट साइड जितने भी स्टॉल वगैरह ये जो ऐसे लगाते हैं ये सस्ता देता है, ये तो और ज़्यादा मुझे लगता है कि मतलब आपके शॉप वगैरह से भी ज़्यादा ये महंगे देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, ये है डाक बंगला का चौराहा, जहाँ पे आपको डाक बंगला की मूर्ति जहाँ पे बैठती है। और यहाँ पे दिवाली के लिए तोरण वगैरह भी मिल रहे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगे थे। मतलब एक जोड़ा लगभग 500-600 का बोल रहा था ये जो घूम घूम के बेचता है वो लोग। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने अभी दशहरा में ये लोग के भी कमाने का टाइम होता है भाई, तो क्या ही बोलना फिर। तो हम लोग मैंने ज़्यादा नहीं ये किया कि ठीक है हम लोग बाद में लेंगे। और यहाँ पे एक जूडियो था, तो मुझे सैंडल लेना था, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा चप्पल और कपड़ा कितना टूटता और कितना फटता है। तो यहाँ पे मैं एक सैंडल पसंद कर रही थी, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद ये जस्ट जूडियो के सामने डाक बंगला का ये जो पंडाल है वो बना हुआ था, अंदर तो हम लोग ना ही जा पाए, इसी साइड से देख लिए, क्योंकि बीच में पार्टीशन दिया हुआ रहता और हम लोग इस साइड से यहाँ पे देखे और ज़्यादा भीड़ में नहीं घुस रहे। काफ़ी भीड़ थी, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा, आप यहाँ पे देखें। दे दे अपनी शरण, ओए तेरे भवन, दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन, थाम कर ये चरण, तन मन में भक्ति ज्योत तेरी, हे माता जलती रहे, मन में भक्ति ज्योत तेरी, हे माता जलती रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पंडाल नज़दीक से काफ़ी अच्छी लग रही थी, और हम लोग ने इस साइड से ही माँ को देख लिया था। तो चलिए बढ़ते आगे, और यहाँ पे अब ये लाइट वाला सिंग लेने के लिए तंग कर रहा था। तो और ये आप देख सकते हैं ये ले चुका था यहाँ पे, और अच्छे से इसके माथा में फिट नहीं हो रहा था, वही ये लोग कोशिश कर रहे थे उस पर करने का। तो ये देख सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सुंदर तोरण वगैरह थे, जो कि बहुत पर बट रेट इनका काफ़ी हाई था। और ये दिवाली तक रहने वाला है, तो इसमें से मैंने एक दो लिया था, वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी।
तो चलिए बढ़ते आगे फिर। और यहाँ पे अब देख सकते हैं बहुत अच्छी अच्छी फ्लावर की ये थी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। ये रेड वाला कम से रंगोली सजाए, फूलों ने रंगों से रंगोली सजाई, सारी धरती ये महकाए। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। और यहाँ पे रियान ने ये एक बाजा भी ले लिया था, तो आंखों में चश्मा, माथे पे सिंह और मुंह में बाजा। दशहरा तो बच्चों के लिए ही होती है। और यहाँ पे अब हम लोग आ गए थे, निकलने वाले थे, क्योंकि काफ़ी भीड़ था, हम लोग ज़्यादा ये नहीं गए। और यहाँ पे आप देख सकते पूरा, मतलब जितने भी ब्रिज वगैरह थे उनको भी सजा दिया गया था। और ये स्टेशन रोड का है, और यहाँ से अब हम लौट के चलते हैं घर। तो चलिए बढ़ते हैं अब यहाँ से आगे और फटाफट से। और यहाँ पे एक कपड़ा भी लेना था, जो कि हम लोग गए थे देखने के लिए। ये है कंकड़बाग का रोड, जो कि हमारे यहाँ बगल में एक ये मॉल, नया मॉल भी खुलने वाला है, बट अभी खुला नहीं है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते काफ़ी भीड़ था, मतलब अच्छा टाइम हो चुका था, उसके बाद भी काफ़ी भीड़ थी। तो चलिए बढ़ते धीरे धीरे आगे। और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं वेस्ट साइड, और स्टाइल अप ये आदित्य बिरला ग्रुप। तो मैं इसमें फर्स्ट टाइम आ रही थी, तो चलिए देखते हैं इसका कुछ झलक। और इसमें से हमने कुछ नहीं लिया था, क्योंकि नहीं समझ में आया था। वेस्ट साइड से हमने लिया था एक दो कपड़ा, तो चलिए वो हम आपको दिखाते हैं आगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुझे लगा ये टॉप और नाइट ड्रेस की तरह, बट ये वुलन था, तो वुलन की काफ़ी, विंटर की काफ़ी स्टॉक आ चुकी है। और इसमें हमें कुछ नहीं समझ में आया था, तो हम लोग इसमें आ चुके थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका कलेक्शन काफ़ी अच्छा था। चलते हैं। और मैंने यहाँ पे एक बैग देखा था जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बट सबने मना कर दिया, तो फिर मैंने नहीं लिया। और ये छोटे छोटे बच्चों की ड्रेस तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है एकदम देखने में, कि जैसे ले ही लूँ। और ये वाली बैग अच्छी लग रही थी, बट इसमें टैग वगैरह कहाँ लगा हुआ था वो मैंने नहीं देखा। और उसके बाद टैग मैंने देखा, तो फिर ये लगभग 1499 की थी। तो चलिए फिर चलते हैं हम ऊपर, और दिखाती हूँ आगे की थोड़ी कलेक्शन आपको यहाँ पे। तो चलिए फिर हम लोग चल जाते हैं एस्केलेटर पे और फटाफट से ऊपर पहुँच जाते हैं। मम्मी क्या ऐसे ही लगना है क्यों? तो यहाँ पे हम अब जींस कलेक्शन में आ गए थे। तो मुझे यहाँ पे तो कुछ अब इन लोग की थी और कुछ समझ में आ नहीं रही थी, तो इन लोगों को करने देते हैं शॉपिंग। और हम अब चलते हैं फटाफट से घर,
जो हमें लेना था वो हमने ले लिया था और यहाँ से निकलते हैं अब। और यानी यहाँ पे ये बार बार एस्केलेटर पे बदमाशी कर रहा था, ऊपर नीचे अपने से ये आने जाने लगा था, तो इसलिए हम लोग अच्छा और ये यहाँ पे ले ही रहा था, मुझे लगा कि अब हम लोग निकल रहे हैं, सॉरी। तो उसके लिए तो ये लोग जींस वगैरह यहाँ पे देख रहे थे कि, और अंदर साइड में वहाँ पे ट्रायल रूम था, तो ट्रायल भी आप कर सकते हो और यहाँ पे देख सकते हैं रियान का। आपको एक डांस दिखाती हूँ, आप इंजॉय करें। तो यहाँ से हम लोग अब निकल चुके थे और चलते हैं अब अपने घर की ओर, प्रस्थान करते हैं। और जहाँ पे हम लोग के घर के पास जो दुर्गा जी बैठी थी, तो वहाँ पे अब चलते हैं कि उनका पट खुल गया होगा, क्योंकि सप्तमी के दिन का ये वीडियो है, तो यहाँ पे ये पट खुल चुका था। यहाँ पे नहीं, आगे में, तो ये तो रास्ता में था राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास, और ये है जहाँ पे हम लोग पूजा करने वाले थे, तो पट खुल चुका था। तो मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।